चिंता और वाबी-साबी। चिंता और तनाव का स्वास्थ्य पर परिणाम ना होने देते हुए चुनौतियों का सामना कैसे करें? दृढ़ता यानी क्या? इकिगाई स्पष्ट होने वाले लोगों में एक चीज समान रूप से पाई जाती है, वे अपने इकिगाई को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। परिस्थितियां पूरी तरह उनके खिलाफ हों तो भी और उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़े तो भी वे अपनी इकिगाई को नहीं छोड़ते। मनोचिकित्सकों के बीच में दृढ़ता के बारे में जो बातें मानी जाती हैं, उन्हें हम अभी समझने वाले हैं। दृढ़ता का अर्थ सिर्फ किसी काम के पीछे लगना नहीं है। अभी हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि दृढ़ता का वास्तविक अर्थ क्या होता है। यह दुनिया की तरफ देखने का हमारा वह नजरिया है जिसमें तुरंत क्या करने की आवश्यकता है, इससे भी ज्यादा ध्यान इस पर दिया जाता है कि क्या करना जरूरी है। साथ ही इंसान नकारात्मक भावनाओं में बहता नहीं है। हम जानने वाले हैं कि दृढ़ता से आगे जाकर कठोरता कैसे निर्मित करनी चाहिए। आज नहीं तो कल, हम सभी को कठिन परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। हम उनका कैसे सामना करते हैं, इस पर कई सारी बातें निर्भर होती हैं। कठिन घटनाओं का सामना करने में हमारे शरीर, मन और भावनाओं का मिला हुआ दृढ़ता का प्रशिक्षण ही काम में आता है। नाना कोरोबी या ओकी, 7 बार गिरे 8 बार उठे, जापानी कहावत। समस्याओं का सामना करने की हमारी क्षमता मतलब हमारी दृढ़ता। हम जितनी ज्यादा दृढ़ता के साथ समस्याओं का सामना करेंगे, उतनी ही जल्दी उनसे बाहर आएंगे और अर्थपूर्ण जीवन जी पाएंगे। दृढ़ लोगों को यह पक्का होता है कि कभी भी निराशा का शिकार ना होते हुए हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके जीना चाहिए। उनकी दृढ़ता ही उनकी शक्ति होती है। सामने आई परिस्थिति का सामना करके उसमें से कैसे राह निकालनी है, यह उन्हें पक्का पता होता है। जिन बातों पर उनका नियंत्रण होता है, उन पर वे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और जो चीजें उनके नियंत्रण में नहीं होती, उनकी चिंता करना वे छोड़ देते हैं। रेनहोल्ड निबूहर की शांति के लिए रची हुई निम्नलिखित प्रार्थना काफी मशहूर है। हे भगवान, जिन चीजों को हम नहीं बदल सकते, उनका स्वीकार करने में हमें शक्ति दे। जिन चीजों को बदलना चाहिए, उन्हें बदलने का साहस दो और ऊपर दी गई दोनों चीजों का अंतर पहचानने की समझ देना। बुद्धिज्म और स्टोइसिज्म के माध्यम से भावनात्मक दृढ़ता। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नेपाल के कपिल वस्तु के राजपुत्र थे। उनका बचपन महलों में बीता, आसपास में काफी खुशहाली थी। 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई, उन्हें एक बेटा भी हुआ। सांसारिक जीवन में मन ना लगने की वजह से उन्होंने 29 की उम्र में महल छोड़ दिया और साधु जैसा जीवन जीने लगे। लेकिन उस वैराग्य में भी उन्हें आनंद नहीं मिला। उन्हें जिस आनंद की तलाश थी, वह उन्हें न महल में मिला, न ही सब कुछ छोड़कर। तब उन्हें पक्का हुआ कि ये दोनों भूमिकाएं गलत हैं। मनुष्य को संसार में रहकर सभी चीजों का लाभ भी लेना चाहिए और साथ ही उन सभी चीजों से किसी भी पल मुक्त होने के लिए जो सजगता आवश्यक है, वह भी उसके पास होनी चाहिए। जैनों ने इसका अभ्यास सन्यासी लोगों से शुरू किया। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सभी सांसारिक चीजों का त्याग किया होता है और उनके शरीर पर जो कपड़े हैं उतनी ही उनकी दौलत होती है। लेकिन यह वैराग्य जैनों को रास नहीं आया। उन्होंने स्टोइज्म का अभ्यास करने की शुरुआत की, जिसमें यही बताया जाता है कि इस जगत में सांसारिक आनंद लेने में कुछ भी गलत नहीं है। जब तक आप उसके गुलाम नहीं हो जाते, तब तक यह करना सही है। किसी भी पल वे सभी सुख सुविधाएं नष्ट हो जाएं, तो भी आप उसके लिए तैयार हैं। यह अवस्था पाना ही उस गुलामगिरी से हमारी असली मुक्ति है। सन्यासी की तरह इन सभी चीजों को और उनसे मिलने वाले आनंद को छोड़ना लक्ष्य नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी नकारात्मक भावनाओं पर विजय पाना लक्ष्य है। इन भावनाओं पर विजय पाना ही बुद्धिज्म और स्टोइसिज्म संप्रदायों का मुख्य उद्देश्य है। ये दोनों मार्ग भले ही अलग हों, फिर भी दोनों अहंकार और नकारात्मक भावनाओं पर ही काम करते हैं। स्टोइसिज्म और बुद्धिज्म दोनों में अच्छी जीवन शैली पर जोर दिया जाता है। स्टोइसिज्म के हिसाब से सुख और इच्छाएं समस्या नहीं है। अगर हम उनके गुलाम ना बने तो उनका लाभ लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। किसी भी परिस्थिति में अपनी भावनाओं पर काबू पाना ही स्टोइक का गुणधर्म माना जाता है। बुरे से बुरा क्या हो सकता है? हमें हमारा पसंदीदा जॉब मिलता है, लेकिन कुछ ही समय में हम दूसरी अच्छी नौकरी ढूंढने लग जाते हैं। हमें लॉटरी लगती है तो हम कार खरीदते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हमें लगती
सोचने लगता है कि हमारे पास वोट भी होनी चाहिए। हमें हमारा मनचाहा साथी मिल जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हमारे मन में कोई और कल्पनाएं बनने लगती हैं। इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। स्टोइक लोग ऐसा मानते हैं कि इच्छाओं और आकांक्षाओं के पीछे भागने का कोई अर्थ नहीं है। सद्गुणी इंसान का उद्देश्य होता है निश्चल और स्थिरता चित्त अवस्था प्राप्त करना, यानी ऐसी अवस्था जिसमें क्रोध, लोभ, भय, चिंता जैसी भावनाएं नहीं होती, सिर्फ आनंद, प्रेम, शांति और धन्यवाद के भाव होते हैं। स्टोइक इस प्रकार के गुणों प्राप्त करने के लिए नकारात्मक कमरा चित्रों का प्रयोग करते हैं। ऐसी कल्पना करते हैं कि उनके पास जो भी सुविधाएं और साधन है ये छिन गए तो क्या होगा। इस प्रकार वे बुरे से बुरा क्या हो सकता है इसके बारे में पहले ही सोच कर रखते हैं और उस परिस्थिति का सामना करने की तैयारी करते हैं। नकारात्मक कल्पना करते वक्त हमें घटनाओं के बारे में सोचना होता है, लेकिन उनकी चिंता नहीं करनी होती। सेनेका नाम के एक अमीर इंसान रोम में रहते थे। उनके पास सभी सुख सुविधाएं थी और स्टोइक के अभ्यासक भी थे। रोज रात को सोने से पहले वह इस कल्पना का प्रयोग करते थे कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। वह सिर्फ कल्पना ही नहीं करते थे बल्कि उसका प्रयोग भी करते थे। वह एक हफ्ता बिना नौकरों के रहने का अभ्यास करते थे, साथ ही वह हमेशा के शाही खाने और पेयों के बिना रहने का अभ्यास भी करते थे। इसकी वजह से बुरे से बुरा क्या होगा इस सवाल का जवाब उनके पास तैयार रहता था और उसके प्रति उनकी चिंता हमेशा के लिए नष्ट होती थी। उच्च भावनाओं के लिए ध्यान। जैसे हमने शांति के लिए प्रार्थना में देखा, उस प्रकार से नकारात्मक परिस्थितियों की कल्पना करने के साथ साथ वे एक चीज और बड़ी निरंतरता से करते हैं। जिस चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं होता उस चीज को भी वे समझते हैं। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं आती उनके बारे में चिंता करने का कोई भी फायदा नहीं है। हमें यह पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीजें बदल सकते हैं और कौन सी नहीं। इस जानकारी की वजह से हमें नकारात्मक भावनाओं को रोकने में मदद मिलती है। इपिक्टेटस कहते हैं कि अपने साथ क्या घटना होती है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप उस घटना पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जैन बुद्धिज्म मानता है कि इच्छाओं और आकांक्षाओं को सजगता से देखना और उनसे मुक्त होना जरूरी है। अपने मन को विचारों से मुक्त करना नहीं बल्कि विचारों को साक्षी भाव से देखना और उनके साथ बहते हुए नहीं जाना ही ध्यान का असली मकसद है। इस प्रकार का अभ्यास करने की वजह से हम अपने मन को क्रोध, निराशा और द्वेष के भाव से बहते जाने से बचा सकते हैं। बुद्धिज्म में भावनाओं को मिटाने के लिए एक मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, ओम मणि पद्मे हुम। इसमें ओम अहंकार को नष्ट करने का वाला है, द्वेष को नष्ट करने वाला म, नी यानी संयम जिसकी मदद से इच्छाओं पर जीत हासिल की जा सकती है, पद यानी द्वैत के परे, में यानी लोभ का नाश और हुम यानी दूसरों के प्रति जो नकारात्मक विचार हैं उन्हें नष्ट करना। आज और अभी अस्थिरता को मात। दृढ़ता लाने के लिए एक और उपाय है यह तय करना कि कौन से काल में जीना है। बुद्धिज्म और स्टोइनिज्म दोनों में यही सीख दी जाती है कि वर्तमान ही एकमात्र ऐसा काल है जिस पर हमारा नियंत्रण है। भूतकाल और भविष्य काल की चिंता करने से अच्छा है कि हम वर्तमान में जिए और अभी हमारे सामने क्या है उस पर विचार करें। बौद्ध संत थिच हैट हन कहते हैं कि एक ही पल है जिसे आप सही मायने में जी सकते हैं और वह है वर्तमान का पल। वर्तमान में जीने के साथ साथ स्टोइक्स अपने आजू बाजू की अस्थिर चीजों के प्रति भी सजग रहते हैं। मार्क्स आरेलियस रोम के राजा थे। उन्होंने कहा था कि हम जिन चीजों को प्रेम करते हैं वे पेड़ के पत्तों की तरह होती हैं, हवा के एक झोंके से भी वे गिर जाती हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि हमारे आजू बाजू में जो घटनाएं घटती हैं वे हादसों की वजह से नहीं घटती, वह तो इस विश्व में काम करने का तरीका होता है। हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो लोग हमारे आजू बाजू में हैं और जो चीजें हमारे पास हैं वे सभी कभी ना कभी नष्ट होने ही वाली हैं। अगर हम इस बात को ध्यान में रखें तो हम उनके पीछे बहते हुए नहीं जाएंगे। इससे हमें वर्तमान में जीने की और इस पल में मौजूद हैं उसका भरपूर आनंद लेने की प्रेरणा मिलती है। सेनेका बताते हैं कि इस विश्व की हर चीज नश्वर है, क्षणभंगुर, अस्थिर और सदा बदलने वाला यह जग बौद्ध शिक्षा का केंद्र बिंदु है। इस बात को सदा याद रखने से इनके खो जाने या दूर जाने की वजह से दुख नहीं होता है।
वाबी साबी और इचिगो इचिड। क्षणभंगुर और सदा बदलने वाली इस कुदरत में सुंदरता खोजने की कला वाबी साबी जापानी संकल्पना है, जो हमें बताती है कि परिपूर्णता में सुंदरता खोजने के बजाय अपूर्णता में सुंदरता को खोजना ही असली कला है। इसीलिए जापान के लोग ऐसी कहावतें हमेशा टूटे हुए कप पर या अपूर्ण वस्तुओं पर लिखकर रखते हैं। अपूर्ण, क्षणिक और सदोष वस्तुएं असल में सुंदर होती हैं, क्योंकि कुदरत भी ऐसा ही है। इसी संकल्पना की पुष्टि करने वाली और एक जापानी संकल्पना है इचिगो इचिड, जिसका अर्थ है वर्तमान का पल ही असली है और वह जाकर कभी भी वापस नहीं आता है। इस पंक्ति का हर सामाजिक सम्मेलन, समारोह और कार्यक्रम में जानबूझकर जिक्र किया जाता है। एक दूसरे को याद दिलाया जाता है कि भूतकाल की समस्याओं में न खोते हुए वर्तमान के पल को खुशी से जीना है। चाय के लिए इकट्ठा होने पर जैन मेडिटेशन और जापान में होने वाले मार्शल आर्ट, इन तीनों ठिकानों पर वर्तमान में जीने को जोर दिया जाता है। पश्चिमी देशों में हमें पहले से ही पक्की इमारतें और सैकड़ों साल पुरानी ऐतिहासिक चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदला है। रोमन आर्किटेक्ट ग्रेसो अपनी असाधारण कारीगरी के लिए जाने जाते हैं। उनकी बनाई दो चीजों में समानता, कुशलता और एक जैसा दिखना, और साथ ही उनका सालों साल वैसे का वैसा रहना, इन सभी बातों के लिए वे पहचाने जाते हैं। जापानी आर्किटेक्ट कभी भी सर्वोत्तम के आग्रही नहीं होते हैं। वे चैतन्य और वाबी साबी की संकल्पना पर काम करते हैं। वहाँ की बड़ी से बड़ी इमारतें भी लकड़ी से बनी हुई होती हैं। उन्हें इमारत बनाते वक्त ही पक्का होता है कि हमें इन्हें हमेशा के लिए नहीं बनाना है और हमारी अगली पीढ़ी को इन पर दोबारा काम करने का मौका मिलने वाला है। जापानी संस्कृति ने स्वीकारा है कि इंसान का जीवन और उसकी बनाई हुई चीजें दोनों क्षणभंगुर हैं। द ग्रैंड श्रीन इस हर 20 साल बाद दोबारा बांधा जाता है। उसके पीछे का मकसद यह नहीं होता कि पीढ़ी दर पीढ़ी वास्तु वैसा ही रहे, बल्कि परंपरा और संस्कृति को संभालना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी टिकने वाली वस्तुओं से भी इंसान की बनाई हुई कुछ समय टिकने वाली चीजें ज्यादा प्रभावी होती हैं। हमें एक बात को स्वीकार करना होगा कि कुछ चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि आगे बढ़ने वाला समय और हमारे आजू बाजू की क्षणभंगुर चीजें। इचिगो इचिड हमें वर्तमान में रहने और सामने आए हुए पल को खुशी से जीने की प्रेरणा देती हैं, जिसकी वजह से हमें इकिगाई ढूंढने और उसके अनुसार काम करने में मदद मिलती है। वाबी साबी हमें अपूर्णता में भी विकास का मौका खोजने में मदद करती है। लचीलेपन के परे कठोरता। एक पौराणिक कथा में ऐसा बताया गया है कि हरक्यूलस ने जब हाइड्रा नामक राक्षस का सिर धड़ से अलग किया तो वहां पर एक की जगह दो सिर तैयार हो गए। उसे समझ में आया कि हम इस राक्षस को कभी भी मारकर खत्म नहीं कर सकते। नासिम निकोलास की कथाओं में कठोरता के प्रति स्पष्टीकरण दिया गया है। कठोरता का अर्थ विकृतियों से निर्मित होने वाली चीजें बताया गया है। हमारी जैविक की परिभाषा के अनुसार ऐसे प्राणी, मनुष्य, पेड़ और वस्तु जिन्हें हानि पहुंचाने के बाद वे कमजोर होती हैं, जैविक कहलाती हैं। जो प्रतिकार करते हैं और समस्या में भी टिके रहते हैं, उन्हें दृढ़ और कठोर कहते हैं। लेकिन जिन चीजों को कुछ हद तक हानि पहुंचाने के बाद वे फिर से उभर कर आती हैं, उन्हें प्रतिजैविक कहते हैं। हाइड्रा के पास एक अनोखी शक्ति थी। कथा में ऐसा बताया गया है कि जब जब उस पर हमला होता था, वह और उभर कर आता था और नई ऊंचाई प्राप्त करता था। दृढ़ यानी वह जो कठोर होता है और समस्या आने पर फिर से उभर कर आता है और अपने मूल स्थान पर लौटता है। प्रतिजैविक यानी जीव जिस पर हमला होने के बाद वह पहले की तुलना में और ज्यादा प्रतिभावान होकर उभरता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में और आपत्तियों में प्रतिजैविकता देखने को मिलती है। सन 2011 में जापान के तोहोकू इलाके में सुनामी आई और फुकुशिमा जैसे सागरी किनारे के कई सारे गांवों का बड़े पैमाने पर नुकसान हो गया। हमने करीबन 2 सालों के बाद जब उस जगह का दौरा किया तो हमें सड़क के दोनों ओर कई निर्जन गांव दिखे। वहां के रास्ते जैसे गायब हो गए थे, घर खाली पड़े थे और वहां पर गाड़ियां भी नहीं थी। वहां के पेट्रोल पंप खाली थे और रेलवे स्टेशन बंद थे। सरकार इन गांवों को भूल गई थी, इसीलिए इन गांवों का विकास होना असंभव था। इशिनोमाकी और केसेनुमा का भी बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन कुछ ही सालों में वे फिर से अपने पुराने स्तर पर आ गए।
फिर से अपने पहले स्तर पर आने वाली इशिनोमाकी और केसोनोमा इन दो गांवों ने अपनी कठोरता सिद्ध की। जिस भूकंप की वजह से सुनामी आई थी उसका सबसे बड़ा झटका फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को लगा था। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को भी बड़ा झटका लगा। वह कंपनी वहां के इंजीनियर इस झटके को कभी भी उभर कर नहीं आए। अगर अगले 10 साल तक उस कंपनी के उभरने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। इस विपत्ति में यही बात सामने आई कि वह कंपनी कितनी कमजोर है। भूकंप के बाद कुछ ही समय में जापानी स्टॉक मार्केट बंद हो गया। उसके बाद कौन सी कंपनियों के शेयर बढ़े होंगे? जाहिर सी बात है कि जो कंपनियां कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में थी, जिन्हें इन गांवों के पुनर्निर्माण का काम मिलने वाला था, वही कंपनियां और उनके शेयर्स आगे बढ़े। उन कंपनियों ने प्रतिजैविक होने का सबूत दिया क्योंकि उन कंपनियों ने समस्या में पहले से ही बड़ी छलांग लगाई। अब इसी संकल्पना का हम अपने रोज के जीवन में कैसे फायदा ले सकते हैं, इसे समझते हैं। पहला, एक ही स्रोत पर निर्भर ना रहें। आप कभी भी एक ही स्रोत पर निर्भर ना रहें। अपनी वर्तमान कुशलता के साथ और भी कलाएं सीखें। इससे होगा यह कि अगर कभी परिस्थिति या आधुनिक खोजों की वजह से आपके मुख्य काम में कोई दुविधा आई या वह काम इतना फायदेमंद ना रहा तो आप दूसरे विकल्प के बारे में सोच सकते हैं। हमने ओगोमी में जिन जिन लोगों से बात की उनमें से हर एक के पास पैसे कमाने के लिए एक से ज्यादा मार्ग उपलब्ध थे। वे अपने बनाई चीजें तो बाजार में बेचते ही थे, साथ ही अपने बगीचे में उगाई सब्जियां भी बेच लेते थे। इस कहावत को सदा याद रखें, अपने सभी अंडे एक ही बक्से में न डालें। शायद आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी कला असाधारण है और आप बहुत महान काम कर रहे हैं, इसीलिए आपको नई बातें सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन समय के साथ यही कला पीछे जा सकती है। सदा नए नए गुण सीखने की वजह से आप किसी भी एक चीज पर निर्भर नहीं रहेंगे। लेकिन लोग खुद को संतुष्ट करते हैं और अपनी आराम सीमा को तोड़ने का कष्ट नहीं करते। दूसरा, छोटे खतरों का सामना करें। अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है इसे समझने के बाद आपको इस बात को समझने में सहायता होगी। समझो आपके पास 1,00,000 रुपए हैं। आप उसमें से 90,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं और बचे हुए 10,000 रुपए 10 अलग अलग कंपनियों में निवेश करते हैं, हर कंपनी में 1,000 रुपए। अब मान लो कि उसमें से 3 कंपनियां पूर्ण रूप से विफल हो जाती हैं। आपके 3,000 रुपए डूब गए। 3 कंपनियों को थोड़ा नुकसान हुआ जिससे आपका भी 1,000-2,000 रुपयों का नुकसान हो गया। 3 कंपनियों को थोड़ा फायदा हुआ जिससे आपको भी 1,000-2,000 रुपयों का फायदा हो गया। एक कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि उनका शेयर 20 गुना बढ़ गया। आपको उस कंपनी से 20,000 रुपये मिले। यानी बाकी कंपनियों को नुकसान होने के बावजूद आपका फायदा हुआ। यानी आप भी हाइड्रा जैसे प्रतिजैविक हो गए। लेकिन प्रतिजैविक होने के लिए छोटे छोटे खतरों का सामना करने की तैयारी चाहिए। पेपर में आई किसी जानकारी को पकड़कर किसी कंपनी में 1,00,000 रुपए निवेश करना बड़ा खतरा है। तीसरा, कमजोर बनाने वाली चीजों से दूर रहें। हमें इसके लिए नकारात्मक विचारों की मदद लेनी चाहिए। खुद से पूछें कि कौन सी चीजें आपको कमजोर बना रही हैं, किन लोगों या आदतों की वजह से आपको खतरा महसूस हो रहा है। हम जब नए साल के लक्ष्य बनाते हैं तो बड़े बड़े लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन ऐसा करने की बजाय यदि हम यकीन के साथ और सोच समझकर छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें तो ज्यादा फायदा होगा। ये छोटे छोटे लक्ष्य ऐसे हो सकते हैं, 2 भोजनों के बीच में नाश्ता नहीं करूंगा, हफ्ते में 1 बार ही मीठा खाऊंगा, छोटी छोटी किश्तों में अपना सभी खर्चा लौटा दूंगा, गलत लोगों के साथ समय बिताना बंद करूंगा, सिर्फ जरूरत के लिए काम करने की बजाय पसंद का काम करूंगा, दिन भर में 20 मिनट से ज्यादा समय फेसबुक पर नहीं बिताऊंगा। जीवन में दृढ़ता लाने के लिए डर को हराना जरूरी है। हमें किसी भी समस्या को मौका समझकर उसकी ओर देखना चाहिए। अगर हमने इस प्रतिजैविकता के नजरिए को विकसित किया तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और अपना इकिगाई जरूर पूरा कर सकते हैं। वाबी साबी कहता है कि जीवन सदोष यानी गलतियों के साथ ही होता है और तेज गति से आगे जाने वाला समय हमें यही बताता है कि यह जीवन क्षणभंगुर है। लेकिन अगर हमें हमारा इकिगाई स्पष्ट है तो इस वर्तमान पल में भी अनंत संभावनाएं हैं।